ओके सो गाइस, अगर मैं कभी भूल जाऊँ ना, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ रिकॉर्डिंग. ठीक है. सो नाउ, आज के टॉपिक में हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, ये इंस्टॉलेशन जो है ये हम लोग के काम का नहीं है. हम लोगों ने ये पाइथन के जो मेन फीचर्स है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किए थे, फीचर्स ऑफ पाइथन. नेक्स्ट जो है इंस्टॉलेशन, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पाइथन इंस्टॉलेशन बता दिया था. पाथ सेटिंग वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे पाथ हम लोगों को अलग से सेट नहीं करना पड़ता है फॉर पाइथन विच वी यूज नाउ, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली सेट्स पाथ फॉर यू एज सुन एज यू इंस्टॉल पाइथन. पहले जो पुराने वर्जन्स होते थे उसको अगर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर रन करना है ना, तो मुझे पाथ सेट करना पड़ता था. आज के टाइम पे दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. सो द पाथ वेरिएबल इज नेम्ड एज पाथ इन विंडोज. यूनिक्स का कैसे सेट करेंगे वो दिया हुआ है. सो यहाँ पे वो आपको कमांड दिया हुआ है, वी राइट पाथ एंड द लोकेशन जहाँ पे आपको ये उसके फाइल सेट करना है. आपने जावा अगर नहीं पढ़ा है, जावा के अंदर हम लोग बहुत बार अभी भी पाथ सेट करते हैं जावा का, जिसके थ्रू आई वी कैन एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम्स. तो ऐसे पाइथन का करना पड़ता था, बट नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो ये पाथ वाला जो पॉइंट है ये आपको काम का नहीं है, एक्सेप्ट इफ़ यू आर वर्किंग विद ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर वी आर गोइंग टू कनेक्ट एनी हार्डवेयर विद आर पाइथन स्क्रिप्ट. तो वो टाइम पे समटाइम्स वी सपोज टू सेटअप दिस पाथ, अदरवाइज दिस पाथ सेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल इन टूडेज टाइम. सो पाथ विंडोज में कैसे सेट करते हैं, लिनक्स में कैसे सेट करते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है. यू कैन सिंपली जस्ट रीड इट आउट वंस, बिकॉज नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इफ़ यू आर वर्किंग विद सम प्रोजेक्ट. जो आपका प्रोजेक्ट एम्बेडेड टाइप का है, दैट टाइम ये सब आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. नाउ रनिंग अ पाइथन प्रोग्राम, वी हैव इंटरैक्टिव इंटरप्रिटर अवेलेबल विथ अस, जहाँ पे हम लोग जाके पाइथन को रन कर सकते हैं. ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है. ठीक है. सो हम लोग बहुत सारे कमांड्स ट्राई नहीं करते, वी सिंपली यूज दिस IDE ओनली. लाइक IDE, कौन सा IDE हम लोग के पास, वी हैव विजुअल स्टूडियो कोड, दैट इज़ आर फर्स्ट IDE जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर फॉर दिस MCQ पर्पज. आपको ये वाला टेबल याद रखना है. वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस जो हम लोग टर्मिनल पे ट्राई कर सकते हैं. तो वो कौन से ऑप्शंस है आप सिंपली एक बार खुद से देख लेना. ये वाले अभी मैं ट्राई नहीं करा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी सिंपल. ये टेबल आपको खुद से ट्राई करना है. तो CMD के ऊपर कौन से ऑप्शंस काम करेंगे, देन वर्बस मोड. वर्बस मोड का मतलब रहता है बैकएंड में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन ने कौन से लाइब्रेरी और उस वो लाइब्रेरी में से कौन से फाइल्स यूज़ किए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको विजिबल होता है, उसको वर्बस मोड बोलते हैं हम लोग. ठीक है. सो ये ऑप्शन है आपके बेसिक. मेनली आपका ये आपका कमांड मोड हो गया. I'll just exit. So this is my command mode. As you can see, ये command mode जो है इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, I can simply type Python and I can go and keep executing many programs out here. तो ये मेरा first pattern हो गया. ठीक है, जहाँ पे मैं अपने कोई programs जो है इसको execute कर सकता हूँ. Same way, I can write Python here और ये Python का IDLE जो है वो open होगा और इसके अंदर भी मैं सेम वे में यहाँ पे प्रोग्राम्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. बराबर है. एनी प्रोग्राम आई कैन एग्जीक्यूट हियर, आई कैन राइट प्रिंट एज वेल. और अगर मुझे एक न्यू फाइल अगर क्रिएट करना है तो ये मैं IDLE पे जाऊँगा यहाँ पे, एंड आई विल गो टू फाइल्स, ओपन न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं न्यू फाइल ओपन करके इसको मैं क्या करूँगा, अगेन इसके अंदर आई कैन राइट एनी प्रोग्राम. आई कैन राइट प्रिंट हियर एज वेल. ये लास्ट टाइम भी बताया था, अगेन आई एम जस्ट शोइंग. सो यहाँ पे हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं करने वाले, बट बाई चांस इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दिस ओनली, जैसे आप प्रैक्टिकल में अगर करते रहोगे, देन हाउ वी कैन डू इट. सो आई विल गो टू मेरा जो फोल्डर है उसमें इन पाइथन विजन ए, एंड आई विल सेव योर लेक्चर टू. लेट सपोज सेव, यहाँ पे अभी आपका आउटपुट आ गया. सो दिस इज हाउ आई कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स यूजिंग दिस python.org से जो डाउनलोडेड सेटअप है वो. सो यहाँ पे आपको वही बता रहा है कमांड मोड क्या रहेगा, वो कमांड से हम लोग कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो बता रहा है. IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. दिस विजुअल स्टूडियो कोड इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. हाउ टू ओपन इट, सो आई कैन गो टू डिविजन ए, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई कैन ओपन विद कोड, है ना, इतना मैं करूंगा. सो एज यू कैन सी यहाँ पे, एक सेकेंड,
राइट क्लिक ओपन विथ कोड। सो यहाँ पे क्या होगा, ये सेम जो डिवीजन ए का जो फोल्डर है वो मेरे पास पाइथन में यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा, है ना। ये पैटर्न हम लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, इसका बेनिफिट क्या रहता है। सो एज यू कैन सी द बेनिफिट ऑफ दिस, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक करता हूँ, जैसे मैंने ये कोट्स जो है वो ओपन किया क्लोज नहीं किया, है ना, तो वो इमिजिएटली आपको यहाँ पे एरर प्रोवाइड करेगा। आपका फाइल का जो नाम है वो कहीं ना कहीं चेंज, ये देखो रेड कलर में आ गया ये। इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू माई लेक्चर ना, एटलीस्ट पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट, बिहेव योर सेल्फ। क्रिश पारेख, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड जस्ट कीप क्वाइट, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। क्रिश पारेख, सो बेसिकली वी हैव दिस पाइथन का आइडियली एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका बेनिफिट ये होता है हम लोग के लिए कि आप जो भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, आधे सजेशंस ये आपको खुद से देता है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे कोई एक पैकेज अगर इंपोर्ट करना है ना, तो मैंने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके हिसाब से कौन सा पैकेज काम का रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये पैकेजेस के नाम दे रहे हैं, और अगर वो पैकेज अगर मेरे काम का नहीं है तो भी ये मुझे बताएगा कि द पैकेज विच यू आर यूजिंग इट्स नॉट यूजफुल एट एनी प्लेस। ठीक है, ये सब मुझे यहाँ पे वो बता सकता है। सो दैट्स वाई वी फॉलो दिस पैटर्न। ओके, सो आई जस्ट डिलीट दिस लाइन्स। सो इफ आई एम ओनली यूजिंग दिस, और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ प्रिंट कमांड अगर यूज कर रहा हूँ, ओके ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कोई एक पैकेज इंपोर्ट किया, अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा पैकेज अगर इंपोर्ट कर रहा हूँ, एंड इफ आई एम नॉट यूजिंग दैट पैकेज एनीवेयर, तो यहाँ पे वो मुझे सजेशन में बताएगा कि आप जो पैकेज यूज कर रहे हैं यू आर नॉट यूजिंग दैट पैकेज एनीवेयर, है ना। तो यहाँ पे आपको ये फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, क्या बोल रहा है, रिमूव अनयूज इम्पोर्ट्स। क्यों? बिकॉज जो मैंने इम्पोर्ट्स डाले हुए हैं वो मेरे काम के ही नहीं है। जो मैं यहाँ पे पैकेज यूज कर रहा हूँ, या इफ आई एड ओएस पैकेज हियर व्हिच इज द इनबिल्ट पैकेज, अगेन दिस पैकेज इज ऑफ नो यूज। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बता रहा है ना, रिमूव अनयूज्ड इम्पोर्ट्स। सो मैं यहाँ रिमूव किया, जो अनयूज्ड लाइंस है वो हट गए। अब ये पैटर्न हम लोग फॉलो क्यों करते हैं, बेसिकली व्हेनेवर वी वर्क और डेवलप एनी एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन का साइज जितना बड़ा होगा ना, रिमेम्बर एप्लीकेशन का साइज जितना बड़ा रहेगा, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट एप्लीकेशन। सो इफ वी आर डीलिंग और इफ वी आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन जिसका साइज काफी बड़ा है, तो वो टाइम पे इट्स बेटर टू नॉट टू ऐड एनी सिंगल लाइन विच इज ऑफ नो यूज फॉर योर प्रोग्राम। सो आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसके लिए भी आपको हेल्प करता है कि इफ यू हैव एनी सच लाइन विच आर ऑफ टोटली नो यूज, देन यू कैन रिमूव दोज लाइन्स। क्लियर है? सो अगेन दैट इज द मेन यूज ऑफ आईडी। डिबगिंग, बग एरर फाइंड करना, ठीक है। सो व्हेन वी हैव एनी प्रोग्रामिंग एरर इन आर कोड, उसको बग बोलते हैं। जैसे इफ आई हैव डेवलप्ड एन एप्लीकेशन फॉर अ रिजल्ट जनरेशन, ठीक है, रिजल्ट जनरेशन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे बनाया। सो दिस एप्लीकेशन विच आई हैव डेवलप्ड हियर, अब ये एप्लीकेशन में क्या है, व्हेन आई ट्राई टू जनरेट अ रिजल्ट, वो मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज या एग्जैक्ट जो ग्रेड्स है वो बता नहीं पा रहा। लेट्स से कि इफ सम स्टूडेंट्स जिनके परसेंटेज अगर 70 अप है, तो वी आर असाइनिंग देम ए या ए प्लस ग्रेड, जस्ट एग्जाम्पल। सो मेरा एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, व्हेन सम स्टूडेंट्स परसेंटेज आर मोर देन 80, वो टाइम पे इट असाइंस दो स्टूडेंट्स ए प्लस ग्रेड, और किसी का अगर 85 के ऊपर है तो ओ ग्रेड प्रोवाइड कर रहा है ना, और किसी के परसेंटेज अगर 50 के ऊपर है तो उसको वो अगेन ए ग्रेड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, दिस आर सम टाइप्स ऑफ अ बग्स, मतलब जहाँ पे मेरे प्रोग्रामिंग में मैंने कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है। सो ऐसे जो बग्स होते हैं ना, जिसकी वजह से मेरा एप्लीकेशन या तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या प्रॉपर रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहा है, या रॉन्ग रिजल्ट जनरेट कर रहा है, या रिजल्ट ही जनरेट नहीं कर रहा है।
सो ऐसे जो एरर्स होते हैं इसको हम लोग बग्स बोलते हैं, और एंड आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग दोज बग्स इसको डीबग बोलते हैं। क्लियर है? करेक्टिंग दोज एरर और बग्स इसको हम लोग बोलेंगे डीबगिंग। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय डीबगिंग। थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स हम लोग के मेन होता है। एक सिंटेक्स एरर होता है। यहाँ पे सिंटेक्स एरर का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि मैंने कहीं पे कॉमा सेमी कोलन या ऐसा कुछ मैं भूल गया हूँ, इसको हम लोग सिंटेक्स एरर बोलते हैं। ठीक है? सो सिंटेक्स एरर में आई कैन से वी हैव मल्टीपल सच पॉइंट्स। ओके, सो एज यू कैन सी इन सिंटेक्स एरर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। तो पाइथन डीबगर क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, इन पाइथन डीबगर एज यू कैन सी हम लोग के पास पाइथन डीबगर जो है वो हम लोग अलग अलग पैटर्न में कहाँ से यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं पाइथन डीबगर। एरर्स अगर आप देखेंगे, एरर एंड एक्सेप्शन, थ्री टाइप के एरर्स होते हैं। सिंटेक्स एरर, रन टाइम एंड लॉजिकल एरर, तीन टाइप के एरर्स होते हैं आपके। सिंटेक्स, रन टाइम एंड लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब क्या होता है, कहीं पे आपने कोई एक कॉमा भूल गए, आप कोई जैसे अगर मेरे पास ये प्रोग्राम है तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर क्या होगा, यहाँ पे मैं कोई एक सेमी कोलन भूल गया, कहीं पे मैंने एल्स स्टार्ट किया बंद नहीं किया, इफ एल्स डाल दिया, ग्रेटर देन साइन भूल गया, डबल कोट्स ओपन किया क्लोज करना भूल गया, है ना? तो ये कुछ जो होता है ये आपके सिंटेक्स एरर होता है। तो ये जो पैटर्न है ना ये प्रॉपरली फॉलो करना है आपको, अगर वो आप प्रॉपर फॉलो नहीं करते तो दैट्स गोइंग टू बी अ सिंटेक्स एरर। अब पाइथन के अंदर हम लोग के पास कोई ब्रैकेट्स नहीं है, कर्ली ब्रेसेस नहीं है, जो आपके नॉर्मल सी, सी प्लस प्लस, जावा या बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। पाइथन के अंदर ये जो स्पेस है ना, दिस इज इंडेंटेशन, मतलब आपने अगर एल्स के बाद में स्पेस दे के यहाँ पे प्रिंट लिखा, मतलब पाइथन विल कंसिडर दिस प्रिंट इज पार्ट ऑफ दिस एल्स ब्लॉक। उसके बाद में आपने स्पेस नहीं दिया, मतलब वी आर स्टार्टेड विद द न्यू लूप, और उसके बाद में वापस स्पेस दे के इफ यू हैव रिटन प्रिंट हियर दैट मींस दिस प्रिंट इज पार्ट ऑफ दिस एल्स ब्लॉक। देन अगेन आपने यहाँ पे एल्स लिखा विदाउट एनी स्पेस, एंड अगेन प्रिंट आपने स्पेस दे के लिखा, मतलब दिस प्रिंट इज पार्ट ऑफ दिस एल्स ओनली। अगेन एल्स के बाद में आपने क्या किया, स्पेस दे के अगेन यू हैव रिटन प्रिंट, तो अगेन दिस प्रिंट इज पार्ट ऑफ दिस एल्स ब्लॉक ओनली। ठीक है? तो आपने अगर यहाँ पे कहीं पे स्पेस नहीं दिया, मैंने एल्स के बाद में ये जो प्रिंट ब्लॉक है इफ आई हैव रिटन बिलो दिस एल्स पार्ट ओनली, तो क्या होगा, अगेन दैट्स अ इंडेंटेशन, सिंटेक्स एरर, ग्रामेटिकल एरर। तो ये आपका ग्रामेटिकल एरर होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नॉर्मली हम लोग हर एक लैंग्वेज, जो हम लोग हिंदी मराठी गुजराती कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, वो हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का एक ग्रामर होता है। वो ग्रामर अगर आप प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे तो वो टाइम पे जो एरर होता है ना उसको हम लोग सिंटेक्स एरर बोलते हैं। जैसे इफ आई आस्क एनी क्वेश्चंस टू यू, तो वो जो स्टेटमेंट मैं बोलूंगा उसके बाद में उसके आगे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, एमसीक्यूज बना रहा हूँ, तो इफ आई आस्क यू ओके व्हाट इज पाइथन, सो आई विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ना आफ्टर दैट। अगर मेरा कोई स्टेटमेंट कहीं पे एंड हो रहा है, मैं फुल स्टॉप डालूंगा वहां पे, स्टेटमेंट का एक पार्ट मैं खत्म करके उसके आगे का पार्ट चालू कर रहा हूँ, कॉमा डालूंगा वहां पे, कोई पॉइंट्स अगर मुझे हाईलाइट करना है डबल कोट्स में डालूंगा मैं उसको। सो ये आपके सिंटेक्स होते हैं बेसिकली, तब सामने वाला पर्सन जो पढ़ता है उसको समझ में आता है ना? एग्जैक्टली सेम वे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल, कॉमा, डबल कोट्स, ब्रैकेट्स, ओपन क्लोज, बाकी के लैंग्वेज में जो होते हैं वो आपके सिंटेक्स होते हैं। तो आप ऐसे कोई चीजें अगर भूल जाते हैं उसको सिंटेक्स एरर बोलते हैं। रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर काफी इंटरेस्टिंग एक चीज है। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास कैलकुलेटर है। ऐसा कैलकुलेटर आप पाइथन में भी बना सकते हैं यूजिंग GUI, मतलब यहाँ पे ये देखो, ये मुझे 1 2 3 4 ये बटन्स दिख रहे हैं। ये बटन्स क्या है, ये GUI है। यहाँ पे मुझे अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन अगर करना है तो उसका ये मुझे बटन्स दिख रहे हैं, ये GUI है। अगर मुझे फाइनल रिजल्ट अगर चाहिए, मैं इक्वल टू पे क्लिक करूंगा, दिस इज GUI, लाइक 6 प्लस 6 इक्वल टू, ये GUI के थ्रू मुझे यहाँ पे आउटपुट मिला। मैंने ऐसा कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम हम लोग पाइथन में बना सकते हैं। अब रन टाइम एरर होते क्या है बेसिकली, रन टाइम एरर होता है जहां पे यूजर के साइड से रॉन्ग इनपुट प्रोवाइड होता है। आपका एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, ये जो कैलकुलेटर अभी मैंने स्टार्ट किया है विंडोज के अंदर, देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस कैलकुलेटर।
इफ आई डिवाइड 6 डिवाइड बाई जीरो, अब देखो एज पर द मैथ्स रूल, एज पर द मैथमेटिकल रूल, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई जीरो, दैट इज मैथमेटिकली नॉट अलाउड, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डिवाइड इट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मेनली क्या होगा, जब अगर मैं पाइथन में अगर ऐसा ट्राई करूंगा, सपोज इफ आई ट्राई टू डिवाइड, इफ आई से 6 डिवाइड बाई जीरो, ठीक है, मैंने ये देखो यहाँ पे ये लिखा है, एंड देन इफ आई रन दिस, सो ये देखो ये बहुत बड़ा एरर दे रहा है इन पाइथन, एज यू कैन सी हियर, है ना, इट गिव्स मी अ बिग एरर, और लास्ट में एक लाइन आ रहा है जीरो डिविजन एरर, दिस इज द एक्सेप्शन, याद रखो ये एक्सेप्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, सो दैट मेरा एप्लीकेशन जो है ना वो ऐसे स्टॉप ना हो जाए। ये क्या हो गया, एरर आने का मतलब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, ये जो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो ये स्टॉप हो गया, और उसके बाद इफ आई राइट प्रिंट हेलो, ये देखो मैंने क्या किया है, एक प्रिंट स्टेटमेंट में डिवाइड बाई जीरो लिखा हुआ है, दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट में हेलो लिखा हुआ है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेरा प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट तक जा ही नहीं पा रहा है, और उसके पहले ही वो एरर देके बंद हो रहा है, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद हो रहा है, उसके आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहे। तो ये जो होता है ना, ये हम लोगों के रन टाइम एरर आने का मिस्टेक है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने यूजर के पास से दो नंबर्स लिए, सो मैं क्या करूँगा, इनपुट इक्वल टू सॉरी इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, सेम वे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल अगेन यूज वन मोर स्टेटमेंट जहां पे मैं लिखूंगा एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, इसको मैं इंट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग, इसके पहले वाले प्रोग्राम में भी देखा था हम लोगों ने, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो भी मैं नंबर अगर कैच करता हूँ फ्रॉम द यूजर, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप में होता है ना। सो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट सॉरी ए इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट एंटर सेकेंड नंबर, दोनों को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके किस में स्टोर कर दिया, ए और बी के अंदर, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, दिस इज माई प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस आर रिजल्ट, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ तक जाना चाहिए, या फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये होने के बाद में मैं वापस यहाँ पे वापस ऐसा ही सेम प्रोग्राम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी, ठीक है। सो अब क्या है, मेरा प्रोग्राम है जिसमें ऊपर मैं दो बार दो नंबर यूजर से पूछ रहा हूँ, और दो नंबर जो रहेंगे उसको डिवाइड करूंगा, उसके बाद में मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा दिस इज रिजल्ट, और उसके बाद में कोई नंबर ऐड वापस डिमांड करूंगा, और उसको मैं ऐड करके बताऊंगा। सो अब जब मैं ये प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, मैंने लिखा 10, सेकेंड नंबर पूछ रहा है 5, सो ये देखो ये मुझे रिजल्ट दे रहा है, वापस ये मुझे पूछेगा कि ओके वापस एक नंबर एंटर करो, मैंने बोला 20 एंड 50, सो ये देखो ये मेरा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूअसली पूरा एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं वापस रन करता हूँ, फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 10, सेकेंड नंबर लिखा मैंने 0, तो अब देखो ये आगे जा ही नहीं रहा है, मेरा प्रोग्राम जो है ना वो रन टाइम में ही क्रैश हो रहा है, इसको हम लोग रन टाइम एरर बोलते हैं, जहाँ पे आपका प्रोग्राम उसके आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब मैंने ये जो प्रोग्राम लिखा है, पहले मैंने आपको एग्जीक्यूट करके बताया, यहाँ पे ये उसका आउटपुट आया, मतलब देर इज नो एरर फ्रॉम डेवलपर एंड, डेवलपर साइड से कोई एरर नहीं है इसमें, एरर कहाँ से है, दैट यूजर हैज नॉट एंटर डेटा प्रॉपरली, गेटिंग एग्जैक्टली लाइक दिस कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में एरर नहीं है, ये कैलकुलेटर अभी भी काम करेगा, मैं कोई दूसरा नंबर अगर ट्राई करूंगा इट गिव्स मी रिजल्ट फॉर दैट कैलकुलेशन, सो देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस कैलकुलेटर एप्लीकेशन, बट इफ आई प्रोवाइड रॉन्ग इनपुट दैट टाइम इट जनरेट्स दिस एरर। अब देखो ये जो कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो आपको जो एरर मैसेज लिख के आ रहा है, और उसके बाद अगर मैं वापस कोई दूसरा नंबर ट्राई करूंगा वो सेम वर्क हो रहा है यहाँ पे, मतलब मेरा कैलकुलेटर बंद नहीं हुआ, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है वो चलते चलते बंद हो गया जब मैंने 10 को 0 से डिवाइड करने का ट्राई किया, है ना, मैंने फर्स्ट नंबर 10 दिया, दूसरा नंबर क्या दिया 0 दिया, सो जैसे ही मैंने ये दिया मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब बार बार ऐसे आपका एप्लीकेशन अगर टर्मिनेट होगा वो तो नहीं चलेगा, बराबर है, अब यूजर को नहीं पता है कि उसके मिस्टेक की वजह से वो टर्मिनेट हो रहा है। सो आपको क्या चाहिए, रन टाइम एरर को हैंडल करके कंटिन्यूअसली आपका एप्लीकेशन शुड वर्क प्रॉपरली विदाउट एनी प्रॉब्लम।
सो अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग इनपुट दे रहा हूँ विच इज मैथमेटिकली नॉट अलाउड, सो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग दिस कैलकुलेटर एंड जनरेटिंग सम टेक्निकल एरर, हाउ वी कैन सी इन दिस पाइथन इंस्टेड ऑफ दिस इट जस्ट शोइंग अ सिंपल इंग्लिश मैसेज दैट यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो. ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं विच इज एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रन टाइम एरर्स. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे बता रहा है, देखो रन टाइम एरर्स, देर आर एरर्स ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्शंस. अब ये जो है ना, ये रन टाइम एरर मतलब यूजर की साइड से कोई मिस्टेक हुआ एंड बिकॉज ऑफ विच वी आर फेसिंग वन और दी अदर एरर. तो आपको क्या करना है, ये जो एरर आपको मिला है ये एरर को हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस लिखने पड़ेंगे. हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो बाद में बताऊंगा. देन नेक्स्ट इज सिमेंटिक एरर्स. सिमेंटिक एरर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव लॉजिकल एरर्स. लॉजिकल एरर्स का मतलब होता है कि कोई एक एप्लीकेशन जो है आपका वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो करेक्ट आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है. सुनो ध्यान से, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है फॉर रिजल्ट जनरेशन, ठीक है. अब TY, FY, SY, TY किसी का भी रिजल्ट जनरेट करने के लिए हम लोगों ने ऑटोमेट रिजल्ट जनरेट करने का एप्लीकेशन बनाया हुआ. ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बेसिकली आपके कितने KTI है, आपका रिजल्ट क्या है, उसके बेस के ऊपर कौन सा स्टूडेंट नेक्स्ट सेम में प्रमोट होगा, किसको हम लोग ड्रॉप देंगे, कौन प्रमोट होने के साथ में उसको हम लोग ए ग्रेड, ओ ग्रेड, कोई एक ग्रेड असाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका ऑटोमेशन रिजल्ट जनरेशन एप्लीकेशन जो है वो कर रहा है. अब यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने सपोज जो प्रोग्राम लिखा है उसमें प्रॉब्लम क्या है. हम लोग BSCIT में नॉर्मली क्या बोलते हैं, इफ़ यू हैव 3 KTs देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर, है ना, मोर देन 3 KTs अगर रहेंगे तो. अब वो 3 KTs इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होने चाहिए, एक ही सब्जेक्ट में अगर है तो भी सेम वे में कंसिडर करेंगे. लाइक इफ सम स्टूडेंट इज देयर जिसको पाइथन प्रैक्टिकल, थियरी और इंटरनल तीनों में KT है, ठीक है, इंटरनल में भी है, प्रैक्टिकल में भी है और थियरी में भी है. सो वेदर वी आर गोइंग टू कंसिडर इज दिस 3 KTs एज 3 KT और ओनली 1 KT. गेटिंग? आपके कंप्यूटर को ये समझ में आना चाहिए. अगर वो सब्जेक्ट वाइज KT कंसिडर कर रहा है, मतलब अगर मेरा प्रैक्टिकल में भी KT है, थियरी में भी KT है, स्टिल मेरा सेम सब्जेक्ट में है तो वो एक ही KT कंसिडर कर रहा है, सो वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. तो इसका मतलब क्या हो गया, देर आर सम स्टूडेंट जिनको दो सब्जेक्ट में तीनों में KT है, प्रैक्टिकल थियरी एंड इंटरनल, तो उसके 6 KT है और फिर भी वो नेक्स्ट सेम में जा रहा है बिकॉज आपका सॉफ्टवेयर रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहा है. इंस्टेड कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, अगर प्रैक्टिकल में KT है तो दैट इज कंसिडर एज KT 1, थियरी में KT 2 एंड इंटरनल में KT 3. तो अगर ऐसे मुझे कंसिडर करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट में आपका अगर KT है तो वो उसको 1 ही कंसिडर कर रहा है, बाद में वो भले आपको इंटरनल में हो, प्रैक्टिकल में हो या फिर थियरी में हो. सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट. सो यहाँ पे हम लोग यही बताने का ट्राई कर रहे हैं कि जब अगर आपका सॉफ्टवेयर आपने लिखा हुआ है एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन उसके जो लॉजिकल एरर्स है उसमें मिस्टेक्स है और उसकी वजह से इट इज नॉट जनरेटिंग करेक्ट रिजल्ट, है ना, सो उसको हम लोग यहाँ पे एरर कंसिडर करते हैं. और वो टाइप के एरर को सॉल्व करने के लिए वी बेसिकली फॉलो दिस सिमेंटिक एरर पैटर्न्स. आई होप दिस इज क्लियर. जस्ट 1 मिनट. हाँ ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट वी मीन बाय सिमेंटिक या लॉजिकल एरर्स. सो एवरीथिंग वर्क्स, एवरीथिंग लुक्स फाइन बट इट डज नॉट जनरेट्स अ करेक्ट आउटपुट, वो आपका प्रॉब्लम होता है. ओके, सो दोज आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए. एनीवन एनी डाउट अबाउट दिस 3 टाइप्स ऑफ एरर? एक्सेप्शनल हैंडलिंग कभी यूज करेंगे, आई होप समझ में आ गया. रन टाइम एरर हैंडल करने के लिए इफ देर आर सम मिस्टेक्स फ्रॉम द यूजर्स एंड, हम लोग के प्रोग्राम में मिस्टेक नहीं है, सो दैट टाइम वी फॉलो दिस पैटर्न. एनी वन एनी डाउट्स?
नो सर, नो सर, नो सर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज फॉर्मल एंड नेचुरल लैंग्वेजेस। फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज डिफरेंस क्या होगा? नेचुरल लैंग्वेज इज लाइक अ लैंग्वेज विच वी स्पीक, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, एनी वन। अब नेचुरल लैंग्वेज जो होता है उसमें वी हैव एक्सप्रेशंस, एंड बाय फॉलोइंग दोज एक्सप्रेशंस वी ट्राई टू कन्वे आर मैसेज टू आर यूजर्स। समटाइम्स दे दोज एक्सप्रेशंस एंड द वे वी टॉक सार्केज्म होता है। सो आई एम ट्राइंग टू से समथिंग, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट। लाइक समटाइम्स दिस ऑलवेज हैपेंस विद द टीनेजर्स। वैन वी आस्क फॉर अ परमिशन फ्रॉम आर पेरेंट्स, ओके कैन आई गो फॉर अ हैंग आउट विद माई एक्स वाई सी फ्रेंड, कैन आई गो फॉर अ नाइट आउट, कैन आई गो फॉर अ पार्टी। सो समटाइम्स पेरेंट्स माइट गिव्स यू परमिशन इन अ सर्कस और सर्कैस्टिक वे, ठीक है जा तू। सो अब यहाँ पे दे माइट बी समटाइम्स दे आर गिविंग यू परमिशन और दे आर गिविंग वार्निंग यू, ये समझना डिफिकल्ट होता है। सो नेचुरल लैंग्वेज जो है ना, इसमें एक ही वर्ड को हम लोग अलग अलग टोन में जब बोलते हैं ना, तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। सो दैट्स वाई वी हैव एम्बिग्यूटी इन नेचुरल लैंग्वेज। बट इंस्टेड ऑफ दैट, वेन वी यूज अ फॉर्मल लैंग्वेज लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो वी हैव स्पेसिफिकली डिफाइंड ईच एंड एवरी वर्ड फॉर सम स्पेसिफिक रीजन ओनली। वी आर नॉट यूजिंग इट एट एनी अदर प्लेस, सो देर वॉन्ट बी एनी कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी वेन वी टॉक अबाउट अ फॉर्मल लैंग्वेज लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So we have a natural language where we have too much ambiguity, confusion. Best example about the parents, है ना? Or we can say कि okay, if I say some, if we are discussing with someone and अगर मैं बोल रहा हूँ कि okay, like if someone are some people are asking some stupid questions or some people are not attentive more. या फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको समझ में नहीं आ रहा है, सो समटाइम्स वी से ना कि ओके भाई नशा किया है, भांग खाया है। सो इट डजेंट मीन्स कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू इंटरप्रेट कि ओके उसने ऐसा कुछ किया है। वी आर जस्ट, दैट्स जस्ट अ फ्रेज विच वी यूज, है ना? इफ आई से कि ओके दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, इट डजेंट मीन्स कि भाई मैं चाय की बात कर रहा हूँ एक कप वाला। नो, इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब दैट समथिंग इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट और समथिंग आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद। So we have some phrases or something जहाँ पे we say when we pronounce which is something different and उसका meaning कुछ अलग होता है। So उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग कभी कभी समझ पाते हैं और कभी कभी हम लोग भी नहीं समझ पाते। Let's take the example of poets or someone. So वो अगर कभी कुछ अगर बोलते हैं ना, तो वो उनके जो words रहते हैं वो कुछ अलग रहते हैं और उनका meaning कुछ अलग रहता है। The people who are actually interested in this shayari or poetry, they can easily interpret it. But the people who are not at all linked with any of this, उनके लिए काफी difficult हो जाता है कि भाई बंदा बोल क्या रहा है। So ऐसा confusion आपको programming language में नहीं होना चाहिए। Hence, programming languages are called as formal languages. ठीक है? Programming language को हम लोग बोलेंगे formal language. So mainly we have two types of languages. One is natural language जो हम लोग बोलते हैं, and second is formal language. Natural language के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे problems होते हैं। Formal language के अंदर आप certain चीज़ों को आपको बहुत systematic way में use करना पड़ता है। Like in formal language, in programming language, I can add two numbers. लेकिन if I try to say कि add $3 + $6, then that is not possible. Natural language में अगर मैं बोलता हूँ कि भाई $6 में 3 ऐड करो कितना होगा बताओ, you can say $9. But if I use any special characters in formal language in a programming, then that is not possible. Programming language वो allow नहीं करेगा। कोई जो हम लोग के chemistry के formulas होते हैं, that is allowed. बराबर है, that is allowed in Python. बट अगर मैं वो फॉर्मूले को थोड़ा तोड़ मरोड़ के अगर यूज करूंगा, अगेन दैट नॉट गोइंग टू बी द केस। ओके, जस्ट वन मिनट, आई रियली सॉरी। ओके, सो इन फॉर्मल एंड नेचुरल लैंग्वेज का डिफरेंस मैंने बता दिया। इन फॉर्मल लैंग्वेज हम लोगों को बहुत सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ यूज़ करना पड़ता है। इफ़ समथिंग इज़ नॉट करेक्टली फ्रेम्ड,
इफ समथिंग इज नॉट करेक्टली पुट देन इट विल शो और डिस्प्ले अ एरर. जैसे अगर मैं H2O लिखता हूँ दिस इज अ फॉर्मूला, बट अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ 2ZZ दिस इज नॉट एनी फॉर्मूला, सो अगेन इट विल डिस्प्ले अ एरर, है ना. तो वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर दिस. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव एम्बिग्विटी व्हेन वी टॉक अबाउट अ नेचुरल लैंग्वेज. जैसे मैंने आपको बताया व्हेन पेरेंट्स समटाइम्स ट्राई टू एक्सप्लेन, या हम लोग कोई फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं और वो अगर बहुत एक स्टूपिड कोई चीज़ कर रहा है तो हम लोग बहुत सरकास्टिक वे में उसको बोलते हैं कि भाई बहुत स्मार्ट है. सो इफ आई से समवन, इफ आई कॉम्प्लीमेंट समवन कि भाई बहुत स्मार्ट हो, इट डजेंट मीन्स कि आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से कि यस दैट पर्सन इज अ स्मार्ट वन, है ना. बट मैं उसको ये बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत डम चीज़ बोल रहा है या कर रहा है तू. सो दैट्स एम्बिग्विटी. रिडंडेंसी होता है, मतलब एक सेम वर्ड वी कैन यूज फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, है ना. कभी कभी हम लोग एक सेम वर्ड मल्टीपल डिफरेंट सिचुएशंस पे अप्लाई करते. सो जैसे वी से वड़ा पाव, तो अभी दैट पाव मीन्स एक अलग से खाने का चीज़ है. एंड समटाइम्स वी से कि ज़्यादा हाथ पाँव मत मार. सो अगेन समवन सेज पैर, समवन सेज पाँव, तो अगेन वहाँ पे भी कोई एक डिफरेंस है. तो सम वर्ड्स जहाँ पे हम लोग अलग अलग वे में उसको यूज़ करते हैं और उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है. तो अगेन दैट इज़ द रिडंडेंसी ऑफ वर्ड्स जो नेचुरल लैंग्वेज में होता है. देन एज यू कैन सी कि आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए. जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वी यूज़ सम फ्रेजेस, है ना. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न में बोलते हैं कि कोई एक सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, है ना. जैसे यहाँ पे अगर एज इट इज डिफाइंड हियर द पेनी ड्रॉप्ड, है ना. या फिर अगर मैं किसी को अगर बोलता हूँ कि भाई यू आर अ गॉन केस, सो इट डजेंट मीन्स कि मैंने कोई केस फाइल किया, उसके ऊपर कोई केस है या समथिंग लाइक दैट, है ना. और इफ आई से कि एकदम उल्लू है बंदा या गधा है, सो इट डजेंट मीन्स. दिस आर द फ्यू फ्रेजेस विच वी यूज टाइम टू टाइम. आज के टाइम पे हम लोग बहुत बार ऐसे नॉर्मल फ्रेजेस यूज करते हैं, लेकिन जब अगर हम लोग वो लैंग्वेज ईयर से यूज करते हैं तो ये फ्रेजेस हम लोग को पता रहता है. सम पीपल हु जस्ट स्टार्टेड लर्निंग हिंदी और इंग्लिश, उनको ये फ्रेजेस पता नहीं रहेंगे, है ना. और पोएट्री या ऐसे कोई रहेंगे वो टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा कि आपको अगर पता हो कि भाई कौन से पोएट्री का क्या मीनिंग रहेगा. सो दैट इज अ वे टू डिफिकल्ट. सो पोएट्री प्रोज अगर आप देखेंगे, सो ये काफी एक डिफिकल्ट चीज होता है. सो दैट्स व्हाई वी यूज स्टैंडर्ड फॉर्मल लैंग्वेज. और वो जो फॉर्मल लैंग्वेज होता है दैट मीन्स प्रोग्राम्स, ठीक है, जिसमें कोई एक वर्ड का एक ही मीनिंग रहेगा. जैसे अगर मैं पाइथन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट अगर यूज कर रहा हूँ तो उसका एक ही मतलब है, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं है, उसको मैं और कोई दूसरे वे में यूज नहीं कर सकता. दैट इज द बेनिफिट ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज. कंप्यूटर को कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कंप्यूटर आपका सार्केज्म नहीं समझता, ठीक है. पर्सन टू पर्सन सार्केज्म समझता है, उसमें भी कभी कभी लोग नहीं समझ पाते आप सार्केस्टिक वे में बोल रहे हो एंड दे थिंक कि भाई आप सीरियस हो, है ना. बहुत बार होता है लोगों के साथ. सो ये जो हम लोग टॉन्ट बोलते हैं कभी कभी कि मैं बोलने का कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हम लोग बोलते कुछ अलग है. सो वो जो होता है ना, जैसे आप देखो कि बहुत बार होता है कि पेरेंट्स आप 10-12 बजे उठ के आते हो, पेरेंट्स बोलते हैं क्यों बेटा इतना जल्दी उठ गए और थोड़े टाइम सो जाओ, अभी तो दोपहर ही हुआ है. सो इट डजेंट मीन्स कि दे आर गिविंग यू परमिशन टू जस्ट गो एंड स्लिप फॉर सम मोर टाइम. इंस्टेड वो क्या हो रहा है, बेसिकली वो आपको बता रहा है कि भाई इतना लेट तक तू सो रहा है, कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है ना. इन शॉर्ट आपको ये बता रहा है, बेइज्जती हो रहा है आपका. सो वो अगर हम लोग समझेंगे तो होगा. तो दैट्स अ सार्केस्टिक वे हाउ पीपल आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट और पेरेंट्स आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब योर सिचुएशन या द एंगर अगेंस्ट यू, है ना. सो ऐसे कोई पैटर्न्स जो होता है वो कंप्यूटर को नहीं समझेगा, बराबर है. तो कंप्यूटर के लिए हम लोग कोई कंफ्यूजन हटाने के लिए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल नेचुरल सॉरी फॉर्मल लैंग्वेजेस ही यूज करते हैं और वही यहाँ पे दिया हुआ. नेक्स्ट जो हम लोग के पास पॉइंट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रैकेट ब्रेसिस एंड पैरेंथिसिस. MCQs में ये क्वेश्चन आ सकता है, सो बेटर यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दिस. मैं इसका
आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। एज यू कैन सी वी हैव दिस क्वेश्चन। मैंने देखो फोटो जो है वो चैट में पोस्ट कर दिया। सो वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। सो कोई स्टेटमेंट डिक्लेरेशन या उसके लिए क्लास बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टर के लिए, इफ एल्स के लिए, अभी नॉर्मली हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो एरे या फिर लिस्ट बनाने के लिए, इंडेक्सिंग के लिए हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। पैरेंथेसिस अगेन कोई मेथड्स डिस्प्ले करने के लिए, कोई भी वर्ड के आगे ये राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, इसका मतलब वो मेथड है, फंक्शन है, ये हम लोग को पता चलता है, आपने देखा रहेगा पहले भी, ठीक है। सो ये हम लोग के डिफरेंस है, बहुत सिंपल डिफरेंस है, नथिंग इज दैट डिफिकल्ट इन दिस। सो ये डिफरेंस हो गया। नाउ वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद आर मेन पाइथन सब्जेक्ट, यहाँ से हम लोग के मेन प्रोग्राम्स और सब कुछ स्टार्ट होगा। अब तक काफ़ी थोड़ा कुछ बोरिंग चल रहा था जिसमें कुछ थियरी पार्ट थे, यहाँ से आपके जो भी कुछ पॉइंट्स टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे दे आर एक्चुअली लिंक विद प्रोग्राम्स ओनली, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो वेरिएबल है, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है वेरिएबल क्रिएट करना, वेरिएबल क्या होता है मैं आपको वापस बता देता हूँ। ए इक्वल टू 10, ये मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ। वेरिएबल इज अ टेम्पररी स्मॉल स्टोरेज लोकेशन, तो मेरा ये 10 जो है वो कहीं तो एक मेमोरी लोकेशन पे सेव हुआ है। अब वो मेमोरी लोकेशन मुझे याद नहीं रख सकता, तो इसके लिए मैं क्या याद रखूंगा, ए याद रखूंगा। कंप्यूटर ए का मेमोरी लोकेशन याद रखेगा कि कहाँ पे 10 नाम का वैल्यू मेरा स्टोर्ड है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद में अगर मुझे ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है ये कौन से टाइप का है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टाइप फंक्शन यूज करूंगा, यहाँ पे डालूंगा ए, तो ए जो वेरिएबल मैंने बनाया है वो कौन से टाइप, उसका डेटा टाइप क्या है वो बताएगा। सो ए जो मेरा वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब अगर मुझे ये वेरिएबल को अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी इक्वल टू फ्लोट एंड यहाँ पे आई कैन टाइप कास्ट दिस टू ए। सो इंटीजर को मैंने किस में टाइप कास्ट कर दिया, बी में, फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया, इंटीजर टू फ्लोट। सो अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, एज यू कैन सी इसका डेटा टाइप जो है वो क्या हो गया, फ्लोट हो गया। आई होप दिस इज वेरी सिंपल, नथिंग दैट डिफिकल्ट एट ऑल। रिमेम्बर, यस बोलो सर, पाइथन आइडेंटिफाई कैसे करता है कि इंटीजर है कि फ्लोट है? हाँ, दैट इज वॉट वी आर सेइंग। आप जो टाइप का डेटा एंटर करेंगे ना, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि अगर मैंने सिर्फ नंबर एंटर किया है विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, मतलब ये इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा b इक्वल टू 20.5, मतलब ये मैंने डेसिमल पॉइंट में नंबर एंटर किया है, तो पाइथन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है, खुद से डिटेक्ट करता है कि अगर 20.5 वैल्यू है मतलब ये फ्लोट वैल्यू है। तो अगर इसका अगर मैं टाइप चेक करूंगा ना, तो वो फ्लोट होगा। इसको मैं, ये लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने अभी टाइप कन्वर्जन कमेंट कर दिया, तो ये देखो ये जो मेरा वेरिएबल जो है b, इसका वो टाइप क्या बता रहा है, दिस इज द ऑफ फ्लोट टाइप। सो पाइथन में ये हम लोग के पास बेनिफिट है कि जो टाइप का वैल्यू आप एंटर करते हैं पाइथन वेरिएबल के अंदर, तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको खुद से समझ लेता है, डिटेक्ट करता है जो टाइप का वैल्यू आप एंटर करेंगे। अब तो रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करेगा? हाँ हाँ, रन टाइम में होता है ना, जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वही टाइम पे होता है ये मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। सर इसमें नल सेफ्टी होता है? क्या क्या नल सेफ्टी, अगर वेरिएबल नल थ्रो कर दिया? हाँ हाँ, वो होता है लेकिन अभी नहीं होता है, वो जब भी हम लोग प्रॉपर प्रोग्राम लिखते हैं जिसको मैं डेटाबेस से कनेक्ट करूंगा वो टाइम पे होगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सी इक्वल टू नथिंग, तो ये यहाँ पे अभी इसने इसको नल कंसिडर किया है, लेकिन अभी ये प्रिंट भी कुछ भी नहीं करेगा ना। अब मैं इसका टाइप में चेक कर सकता हूँ, देखो ये टाइप मैंने सी लिखा है, ये यहाँ पे आ गया ना, मेरा जो टाइप है सी वेरिएबल का वो स्ट्रिंग है, सो ये नल वैल्यू आ गया ना, ठीक है। प्रॉपर हैंडल करने के लिए वो नल वैल्यू, उसमें कुछ वैल्यू दूसरा ऐड करने के लिए आपको फिर उसको अलग से पूरा प्रोग्राम क्लास ये वो हम लोग जो आगे बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं वो करने पड़ेंगे, वो हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। सर ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस देखना हो तो कि मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, एक नंबर आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है वो? तो उसके लिए हम लोग टाइप फंक्शन ही लिखते हैं ना बेटा, दैट्स वाई वी हैव दिस टाइप फंक्शन विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन आइडेंटिफाई विच लाइक
इफ आई एडेड सम वैल्यू तो पाइथन ने उसको क्या आइडेंटिफाई किया है वो चेक करने के लिए हम लोग ये टाइप फंक्शन यूज करता है ना। नहीं पाइथन अपने एंड पे कैसे करता है वैसे पूछ रहा हूँ मैं, जब वो इंटरप्रेट कर रहा है वो, तो तभी मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा ये इंटीजर आ गया। हाँ तो दैट्स फॉर दैट रीजन वी हैव अ प्रोग्राम इंटरप्रेटर, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व्हिच इज रिटन इन पाइथन 3.9 ना, दैट पाइथन इंटरप्रेटर इटसेल्फ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके अंदर ये चीजें लिखे हुए है कि आपको अगर मैंने कोई डायरेक्ट अगर कोई वेरिएबल के सामने कोई एक वैल्यू दिया हुआ है तो वो अगर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट अगर नंबर है तो उसको इंटीजर कंसिडर करो, डेसिमल पॉइंट के साथ है तो उसको फ्लोट कंसिडर करो, सिंगल या डबल कोट्स में तो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करो। ये हम लोगों का लाइब्रेरी जैसा होता है, जैसे हम लोग सी सी प्लस प्लस में वी हैव आईओ स्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच लाइब्रेरी फाइल्स होता है जिसके अंदर सी आउट सी इन कैसे करना है, डेटा टाइप क्या होता है वो सब डिफाइंड रहता है, वैसे ही पाइथन के इंटरप्रेटर में ये सेम चीज़ डिफाइंड है उसके लाइब्रेरी में इन शॉर्ट। ओके सर ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों का ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो आ गया, हम लोग के अलग अलग जो वेरिएबल रहेंगे वो आ गया, एंड एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में हम लोग एक वेरिएबल टाइप को दूसरे में टाइप कास्ट कैसे करते हैं वो भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इफ आई राइट 20, ओके लेट्स सी इफ आई राइट ए इक्वल टू सिंगल कोट्स 10, बी इक्वल टू 20, ठीक है, एंड नाउ इफ आई राइट प्रिंट ए प्लस को, ये अलाव नहीं करेगा क्यों, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एड स्ट्रिंग विद इंटीजर नंबर, ये अलाव नहीं करेगा। तो अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, या तो मैं दोनों को स्ट्रिंग कर दूं या दोनों को इंटीजर कर दूं, ये मैंने दोनों को स्ट्रिंग कर दिया। सो जब मैंने दोनों को स्ट्रिंग किया तो इंस्टेड ऑफ एडिंग 10 प्लस 20 30 रिजल्ट बताना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट इट शोइंग 1020 रिजल्ट। तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा अगर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आई कैन से आई कैन राइट, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेरा स्ट्रिंग है इसको मैं कैच करूँगा इंट ए, सेम वे आई कैन राइट डी इक्वल टू इंट बी, ये मेरा ए और बी दोनों टाइपकास्ट हो गया, और यहाँ पे नाउ आई कैन से सी एंड डी, अब ये मेरा रिजल्ट मुझे देगा देखो, ठीक है। लेकिन अगर नंबर को आपने गलती से एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया है तो ये पॉसिबल होगा, इसके जगह पे इफ आई राइट माई नेम और उसके बाद इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट द सेम थिंग इट जनरेट्स द एरर, बिकॉज आप ये जो नाम लिखा हुआ है इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। Then next thing, I can convert any number into integer. जैसे यहाँ पे मेरा ये जो नंबर है ये फ्लोट है, लेकिन मैं फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मेरे पास जो नंबर है ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद द बेस 20.5, क्यों, बिकॉज ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ये फ्लोटिंग पॉइंट है, और इसको जब मैं इंटीजर में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा वो फ्लोटिंग पॉइंट को वो इंटीजर में नहीं लेगा। लेकिन अगर अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्लोट में है डायरेक्ट स्ट्रिंग में नहीं है, और उसके बाद अगर मैं इंटीजर में इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा दिस विल हैपन, ठीक है, ये डिफरेंस है याद रखो। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ तो वो स्ट्रिंग को एग्जैक्ट ये सेम स्ट्रिंग को वो नंबर में या इंटीजर में कन्वर्ट करने की ट्राई करेगा, लेकिन 0.5 अगर दिया हुआ है सो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट वैलिड, तो वो टाइम पे ये अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ फ्लोट में ही है तो फ्लोट टू इंटीजर इज पॉसिबल, वो टाइम पे ये अलाउड होगा जैसे यहाँ पे है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ये जो नंबर है ऊपर वाला जो नंबर है इसको अगर मैं फ्लोट में ट्राई करूँ तो फ्लोट में ये हो जाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि फ्लोट जो है वो सिंगल नंबर भी लेता है फ्लोट में भी रहता है देखो, और मेरा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा 30.0 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एनीवन एनी डाउट, क्लियर है सबको? आपको पता होना चाहिए कोई एक नंबर को मैं फ्लोट में या इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ वाइस वर्सा, बट कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू को मैं टाइपकास्ट नहीं कर सकता दूसरे इसमें। सो यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट्स है यही बता रहा है। सो वैल्यूज है मेरे पास, आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल, और वो वेरिएबल का क्या टाइप है वो मैं ये टाइप फंक्शन के थ्रू चेक कर सकता हूँ।
सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइप डबल कोट 17, इसका जो डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, टाइप डबल कोट 3.2, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। आई होप नाउ यू कैन रीड दिस नोट्स वेरी इजीली। नाउ दो स्ट्रिंग को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, इफ आई राइट ए बी सी देन एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पे I can just comment this. यहाँ पे I'll write A and B. ठीक है, सो ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करके बताएगा मुझे ऑफकोर्स. सो प्लस जो है, प्लस इज द ऑपरेटर, कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, दो वेरिएबल्स के वैल्यू को कॉन्केटिनेट ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. नाउ दिस प्लस ऑपरेटर कैन ज्वाइन और कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग और नंबर्स. अब जब मैं नंबर के साथ अगर इसको यूज करूंगा, दिस विल वर्क एज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर. डिफरेंस याद रखो, अगर मैंने दो नंबर्स के साथ में प्लस साइन अगर यूज किया, दैट टाइम दिस प्लस साइन इज वर्किंग एज अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन कर रहा है दो नंबर्स का. लेकिन इसी को अगर मैंने सिंगल कोट्स में डाल दिया, दैट टाइम दिस प्लस ऑपरेटर इज वर्किंग एज अ कॉन्केटिनेट ऑपरेशन ऑपरेटर, कॉन्केटिनेट कर रहा है, कॉन्केटिनेट ज्वाइन कर रहा है दो स्ट्रिंग्स को, और वो टाइम पे ये दो स्ट्रिंग को ऐड नहीं, ज्वाइन करके बताएगा. सो प्लस ऑपरेटर हम लोग दो वे में यूज कर सकते हैं. स्ट्रिंग के साथ अगर मैं यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, एडिशन, स्ट्रिंग के साथ अगर मैं यूज करूंगा प्लस ऑपरेटर को, तो वो दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा. और अगर मैं दो नंबर्स के साथ अगर यूज करूंगा तो वो दो नंबर्स को ऐड करने में हेल्प करेगा प्लस ऑपरेटर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन एनी डाउट्स? सिंपल है? यस सर. यस सर. यस. तो यहाँ पे ये हो गया, वेरिएबल्स क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इतने बार. सो हम लोग के पास असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होते हैं. दिस इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर. सो इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो वैल्यू है दैट इज 10, वो असाइन कर रहा है राइट साइड का जो वेरिएबल है उसके अंदर. तो इक्वल टू जो होगा वो इक्वल टू को मैं बोलूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर. इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर आउट हियर. लेफ्ट साइड का जो आपका वैल्यू होता है उसको, मतलब ये जो 10 है, सॉरी राइट साइड जो है वैल्यू, राइट साइड का जो आपका वैल्यू है 10, उसको लेफ्ट साइड के ये जो वेरिएबल है उसमें असाइन करेगा. लेकिन इसका अपोजिट अलाउड नहीं है. आई कैन नॉट राइट 10 इक्वल टू ए, दिस इज नॉट अलाउड. ऐसा अलाउड होगा? नहीं होगा. क्या करेगा? एरर देगा, बिकॉज वी कैन नॉट हैव अ वेरिएबल विच स्टार्ट्स विद द नंबर. आपके पास एक वेरिएबल जो है वो आपका अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से चालू हो सकता है. अंडरस्कोर ए, दिस कैन बी अ वेरिएबल, ठीक है, बट I cannot start it with some special character as well. Special character से भी चालू नहीं हो सकता, number से भी चालू नहीं हो सकता. I cannot write a at the rate. देखो, again this is also not allowed. इसको मैं आगे वाले को अगर मैं comment भी कर दूँ, इसको भी मैं comment करता हूँ. So a at the rate, this is also not allowed. ठीक है? अगर मुझे suppose यहाँ पे student roll number चाहिए, तो ये मेरा एक ही जो मेरा एक ही वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट रोल नंबर. लेकिन अगर मैं वेरिएबल में वापस स्पेस दूंगा, स्पेस इज आल्सो नॉट अलाउड व्हाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगर स्पेस देना है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्पेस आई पुट अंडरस्कोर. दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम. दूसरी बात, हम लोग को पता ही है कि फॉर जो है ये आपका सिस्टम रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो इसको भी मैं एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकता. आई कैन नॉट राइट फॉर इक्वल टू 10, बराबर है. आई कैन नॉट डिक्लेयर फोर एज अ वेरिएबल बिकॉज दिस इज सिस्टम रिजर्व्ड कीवर्ड. इफ ये आपका इफ कंडीशन होता है, इसको भी मैं एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकता. सेम वे एल्स, इसको भी मैं एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकता. क्लियर है? तो ये आपके सिस्टम रिजर्व्ड कीवर्ड्स है. सो वेरिएबल डिक्लेयर करने के आपको यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएबल जो है वो क्या होगा, उसके क्या रूल्स है, आप किसको वेरिएबल बना सकते हैं. सिस्टम रिजर्व्ड कीवर्ड्स को आप वेरिएबल नहीं बना सकते, वो देखो यहाँ पे टॉपिक दिया है वेरिएबल नेम एंड कीवर्ड्स. सो सिस्टम रिजर्व्ड कीवर्ड्स को हम लोग कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकते हैं. कोई एक वेरिएबल नंबर से चालू नहीं हो सकता, कोई एक वेरिएबल में स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता. क्लास इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, वो भी आपका वेरिएबल नहीं हो सकता. दिस ऑल आर कीवर्ड्स.
while not from global if import import package import करने के लिए हम लोग use करते हैं, इसको मैं as a variable name use नहीं कर सकता. return try catch print इसको भी मैं use नहीं कर सकता. type conversion already मैंने बता दिया आपको, one data type to another data type जो conversion होता है string float और integer जो हम लोगों ने अभी program try किया. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे दूसरे कन्वर्जन टाइप आपको दिए हुए हैं. आगे जैसे हम लोग जाएंगे पाइथन में वैसे आगे और कन्वर्जन टाइप हम लोग ट्राई करेंगे. ये टेबल जो नोट्स में दिया हुआ है ये आपको एमसीक्यू के लिए काम में आएगा. आपको याद रखना है ये टाइप कन्वर्जन टेबल, ठीक है. ये टाइप कन्वर्जन टेबल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. एग्जाम में जो एमसीक्यूज आएंगे ना वो ऐसे ही कुछ आएंगे. अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है 10, ठीक है, एंड दूसरा वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है 20.5, इसको मैं सिंगल कोट्स में डाल रहा हूँ, इसको मैं सिंगल कोट्स में डाल रहा हूँ, ओके. और उसके बाद में इफ आई राइट इट हियर सी इक्वल टू इंट ए एंड डी इक्वल टू इंट बी एंड उसके बाद में इफ आई राइट प्रिंट ए प्लस बी, इसका आउटपुट क्या आएगा? This is your one MCQ, one mark के लिए. तो अगर आप बोलोगे कि इसका output 30.5 आना चाहिए, that's wrong. बराबर है? इसका output क्या आएगा? वो आपको बताना आना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि instead of writing this to int, if I write it float, इसके बाद अभी इसका output क्या आएगा? Again, you supposed to guess that output. So अब देखो ये दोनों है ना, ये string format है ना? तो जब मैं यहाँ पे ये देखो मैंने इसको कन्वर्ट किस में किया, सॉरी यहाँ पे सी और डी करना है. जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? 30.5 आ रहा है. मतलब एक इंटीजर और एक फ्लोट नंबर जब ऐड होगा तो आपका आंसर जो मिलेगा आपको वो फ्लोट में मिलेगा. दिस इज अ ट्रिकी एमसीक्यू. जिसने ट्राई नहीं किया उसके लिए ये ट्रिकी रहेगा. जिसने ट्राई किया, जिसके कंसेप्ट क्लियर है, जब ये हम लोग अभी लेक्चर में पढ़ा रहे उसके साथ में जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा. बट दोज हु आर नॉट ट्राइंग जस्ट लिसनिंग टू दिस लेक्चर उनके लिए ये काफी डिफिकल्ट होगा. सो आपने पहले डी को किस में टाइप कास्ट किया था? आपने पहले डी को किस में टाइप कास्ट किया था? सो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर में अगर इसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ सो वो कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा स्ट्रिंग में जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप का है. देखो सिंगल कोट्स में जो मैंने ये 20.5 लिखा है ये किस में? फ्लोट में. अगेन दिस इज अ ट्रिकी एमसीक्यू. इफ आई ट्राई टू टाइप कास्ट दिस नंबर्स इनटू इंटीजर विल इट बी पॉसिबल? सो ये आपका एमसीक्यू होगा. इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर ये पॉसिबल है, आपने इसका रिजल्ट दे दिया, मतलब योर आंसर इज रॉन्ग. अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो एरर देगा, आपने वो मार्क किया, तो आंसर इज करेक्ट. सो दिस टाइप ऑफ एमसीक्यूज यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम एज वेल. क्लियर है? सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं नोट्स में से जो स्टेटमेंट दिए हुए वैसे उठा के बताऊंगा. आप उसमें जाके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, गूगल करोगे सर्च करोगे मिल जाएगा. दिस नॉट गोइंग टू बी द केस फॉर पाइथन, नॉट एट ऑल. आपको अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, ट्राई कर रहे हो साथ में, देन यू कैन सॉल्व दोज एमसीक्यूज. आप अगर नहीं समझ रहे हो, नहीं सुन रहे हो, मुझे वापस पूछ भी नहीं रहे हो अगर नहीं समझ रहा है, तो भूल जाओ कि आपको एमसीक्यूज पास करने होगा. मैं आपको गूगल खोल के भी दे दूँ तो भी आंसर नहीं मिलेगा उसका, ये गारंटी है. सो बेटर कंसेप्ट क्लियर रखो, जो मैं बता रहा हूँ सुनो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो. लैंग्वेज का अगर नॉलेज होगा तो पास होंगे एग्जाम. अगर आपको पाइथन का नॉलेज नहीं है तो पास नहीं होंगे एग्जाम. एज सिंपल एज दैट. सो बिफोर मी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, अभी आपको एक प्रोग्राम लिखना है छोटा सा. यू हैव टू जनरेट अ रिजल्ट, ठीक है. आप क्या करेंगे, स्टूडेंट के पास से, याद रखो स्टूडेंट के पास से पांच सब्जेक्ट के मार्क्स आपको लेने हैं. आपके अभी के जो पांच सब्जेक्ट है, यू सपोज टू आस्क यूजर टू एंटर मार्क्स फॉर पाइथन, देन आपका शायद जावा या कोई होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या और कोई सब्जेक्ट होगा. सो वैसे आपके जो भी पांच सब्जेक्ट है अभी, वो पांच सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं और फाइनली वो मार्क्स के बेस के ऊपर उसका कितना परसेंटेज आया वो बताना है आपको. सर आउट ऑफ कितना? 100. हाँ हाँ 100 ले लो चलेगा.
एवरेज आपको बताना है, एवरेज परसेंटेज बताना है आपको कि अगर मैंने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए, फर्स्ट सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 मुझे 50 आया, सेकंड में मुझे 75 आया, थर्ड में मुझे 30 आया, फोर्थ में मुझे कुछ आया, तो टोटल मेरा एवरेज स्कोर क्या हुआ वो बताना आपको, ठीक है? परसेंटेज निकाल के बताना है, फाइनल प्रिंट करना है, जल्दी से करो, और जो आउटपुट है वो आप चैट में पोस्ट करोगे स्क्रीनशॉट उसका, जल्दी करो, चलो। I hope people are trying. How many are trying? Raise your hands. Hello. How many are trying? Raise your hands. Just two. Okay. Chalo, jaldi try karo and output dalo chat mein. ओके, वेरी गुड गाइस, चलो बाकी लोग जल्दी करो। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, यू सपोज टू डू इट एवरीवन। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अदर स्टूडेंट्स जल्दी पोस्ट करो। गाइज सिर्फ दो लोगों का आउटपुट आया, बाकी लोग जल्दी करो। ओके, वेरी गुड, ओके ओके, गुड, वेरी गुड गाइस। चलो गुड, आई होप थिंग्स आर गेटिंग सिंपल फॉर यू। एटलीस्ट जो प्रोग्राम्स हम लोग लिख रहे हैं उसमें डाउट नहीं आ रहा है, बिकॉज ये जो मैं आपको अभी प्रोग्राम बता रहा हूँ इसी को हम लोग और थोड़ा बेटर बनाते जाएंगे, जैसे जैसे आगे हम लोग कंडीशन लूप्स पढ़ेंगे, विल फॉलो दिस प्रोग्राम्स ओनली, जिसको हम लोग और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो उससे सो व्हाट इज द मेन एडवांटेज बिहाइंड दिस, कि आपका जो काम है ना वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। यू कम टू नो कि ओके कभी हम लोग क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो आगे हम लोग को क्या करना चाहिए, वी कैन ईजिली वर्क विद दैट। सो फॉर दैट वी सपोज टू प्रैक्टिस सच स्मॉल प्रोग्राम्स। हम लोग डायरेक्टली जब प्रैक्टिकल्स या ऐसा कुछ करते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल्स जो होते हैं ना उसके अंदर आप अगर देखोगे तो डायरेक्टली आपको वो ओके गुड, वेरी गुड। सो अब हम लोग के पास पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स येस वी आर इंटरेस्टेड। हाँ गुड, अर्पिता वेरी गुड, एफ फंक्शन वो बता नहीं है, यू स्टिल ट्राइड, गुड गुड। सो नेक्स्ट वी हैव इज ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। एक छोटा सा प्रोग्राम जो हम लोगों ने ट्राई किया,
इसके आगे अब हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग और थोड़े प्रोग्राम्स जो है उसको अपडेट करते जाएंगे। रिमेंबर स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग बेसिक पॉइंट से आगे बढ़ता है ना तो आपके लिए सीखना सिंपल हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है हम लोग ट्राई करते हैं लेकिन जब हम लोग ट्राई करते हैं तो वो टाइम पे हम लोग डायरेक्टली आपने देखा रहेगा कि हाँ हम लोग स्टार प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हैं या फिर फिबोनाची सीरीज ट्राई कर रहे हैं। तो अब प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि जिसको फिबोनाची लॉजिक नहीं पता है या जिसको ये वाला लॉजिक वो वाला लॉजिक नहीं पता है, जिसको मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है और उसको हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम्स करने का बोलते हैं एंड देन वी से कि ओके ये तो बहुत बेसिक प्रोग्राम है। इट इज़ बेसिक फॉर द पीपल फॉर हुम मैथ्स इज सिंपल बट इट इज़ नॉट सिंपल फॉर द पीपल फॉर हुम दिस फिबोनाची और समथिंग इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो उनको जब मैं अगर ये देता हूँ ना तो स्टार्ट से उनका भरोसा उड़ जाता है कि भाई प्रोग्रामिंग तो अपने से नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं बेसिकली कि होगा उतना बेटर वे में हम लोग चीज़ों को प्रॉपर बता सके। और वो प्रॉपर बताने का मतलब ही ये होता है कि हम लोग कितना प्रॉपर वे में कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं चीज़ों पर। नाउ हम लोग एक वेरिएबल में जब स्ट्रिंग अगर सेव करते हैं तो स्ट्रिंग सेव करने का मतलब क्या होता है, एक एक प्रोग्राम हम लोग ट्राई करेंगे, आपको वो ट्राई करना है, कुछ एक नया बताता हूँ उसके बाद में थियरी में नोट्स में बाद में वो पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना मैं कुछ जो नया बता रहा हूँ वो। आई होप एवरीवन इज ओके, मैं अपना डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। ओके सो आई होप एवरीवन कैन सी दिस एक्सेल फाइल, बराबर है, सबको एक्सेल फाइल विजिबल है? यस सर, यस सर। अब हाँ, यस सर। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोग एक स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा हूँ टी आई आर एन पी, सो आई हैव रिटन माय नेम हियर, दिस इज आर स्ट्रिंग, ठीक है। सो अब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग में रहते हैं तो ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं ये स्ट्रिंग्स को हम लोग स्लाइस करते हैं। स्लाइस करने का मतलब क्या होता है कि मुझे ये स्ट्रिंग में से सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये स्ट्रिंग जो है ना इसमें से कुछ सर्टन चीजें ही चाहिए, कोई एक पार्ट ही चाहिए इसका, तो वो टाइम पे हम लोग इसको स्लाइस कर सकते हैं, याद रखो। सो अगर मैं लिखता हूँ कहीं पे, इफ आई राइट समवेयर, जैसे इफ आई राइट नेम इक्वल टू, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, ठीक है, मैंने क्या किया एक वेरिएबल बनाया और वो वेरिएबल को मैंने क्या नाम दिया, बराबर है, नेम, दैट इज द नेम ऑफ माय वेरिएबल और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर किया। तो जब आप वैल्यू स्टोर करते हैं ना तो वो जो वैल्यू है वो ऐसे स्लाइसिंग पैटर्न में जाता है, ठीक है, ये स्लाइसिंग पैटर्न है जहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो आपका वेरिएबल जो है वो स्लाइस हो सकता है। स्लाइस कैसे होगा, कंप्यूटर में काउंटिंग जो है वो जीरो से चालू होता है, सो इंडेक्स पोजीशन जीरो पे मेरा वेरिएबल में जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है, मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है टी, दैट इज एट इंडेक्स पोजीशन जीरो, देन वन टू थ्री एंड फोर। तो मैं मेरे स्ट्रिंग में से कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो प्रिंट कर सकता हूँ, स्लाइस कर सकता हूँ स्ट्रिंग्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं ना तभी भी हम लोग ये वे में स्ट्रिंग्स को स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है, ये आगे काम में भी आता है, ऐसा ही वेस्ट चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। और कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा अगर स्ट्रिंग है जैसे 50-100 कैरेक्टर्स का, तो उतना बड़ा मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा मेरा अभी अगर 100 लेटर्स है उसमें, तो उसमें मुझे याद नहीं रहेंगे कि लास्ट का जो लेटर है उसका नंबर क्या है, तो वो टाइम पे मैं स्टार्ट से 0 से 100 तक काउंट करूंगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हैं। रिवर्स काउंटिंग ऐसे होता है, -1, -2, -3, -4 एंड -5, याद रखो 0 पॉजिटिव काउंटिंग में आता है तो 0 नहीं आएगा यहाँ पे। तो मेरा इंडेक्स पोजिशन जो है ना
इसका टी का वो क्या है, अगर मैं मेरा टी का इंडेक्स पोजीशन जो है वो क्या है, जीरो है, बराबर है, जीरो है अगर मैं स्टार्ट से लेफ्ट टू राइट काउंट करूंगा, और माइनस फाइव है टी का पोजीशन अगर मैं राइट टू लेफ्ट काउंट करूंगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको। सो इंडेक्स पोजीशन होता है हर एक कैरेक्टर का, और वो इंडेक्स पोजीशन से मैं वो कैरेक्टर को फेच कर सकता हूँ। इसके लिए मैं ये सब आपको मगजमारी बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैं कोई एक इंडेक्स को, कोई एक कैरेक्टर को जो है ना, मैं स्लाइस कर सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर को स्लाइस कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे यूज भी कर सकता हूँ। सो स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कोई एक स्ट्रिंग जो मैंने ऐड किया है उसका लेंथ कितना है, और वो जो भी लेंथ है ना उसको फिर मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ। ऐसा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, जो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एनीवन, एनी डाउट? नो सर, समझ रहा। नो सर, नो सर। तो मैं यहाँ पे आपको जो हम लोगों का ओके यहाँ पे अगर मैं बताऊं, मैंने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू, मैंने कोई एक स्ट्रिंग ऐड किया यहाँ पे, बड़ा स्ट्रिंग ऐड करता है गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब मुझे अगर इसका लेंथ अगर चेक करना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट n लेंथ, किसका लेंथ, a का लेंथ, ठीक है। सो कितने कैरेक्टर्स है ना ये स्ट्रिंग में वो बताएगा। तो देखो मेरा जो गुड मॉर्निंग जो मैंने लिखा है इसका लेंथ क्या है, 12 है। याद रखो स्पेस भी काउंट होता है, अगर मैं स्पेस हटा दूंगा तो इसका जो वैल्यू है लेंथ जो है वो कम हो जाएगा। देखो अभी लेंथ कम हो गया, अगर मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग में अगर दो तीन स्पेस दूंगा इसका लेंथ बढ़ जाएगा। देखो तो स्पेस इज ऑल्सो काउंटेड हियर, याद रखो। तो मेरा ये जो लेंथ है वो क्या है, दिस इज माई लेंथ, जहाँ पे मैंने लेंथ कैसे फाइंड करते हैं कोई एक स्ट्रिंग का, विद द हेल्प ऑफ len लेंथ कीवर्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। len इज द लेंथ फंक्शन, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, ओके। अब उसके बाद में स्ट्रिंग्स के साथ में हम लोगों के और थोड़े कुछ उसके पैटर्न होते हैं। जैसे अगर मुझे ये जो a है, a में अगर मुझे सपोज वन देन फाइव एंड थ्री, ओके, प्रिंट सो अब देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट और एंड बताया और उसके बाद का कोई एक कैरेक्टर जो है मैंने उसको प्रिंट करने बोला, ठीक है। सो इसने क्या किया, वो स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है ना वो प्रिंट किया, स्टार्ट एंड एंड बताया, स्टार्ट एंड एंड मैंने क्या बोला, मेरा स्ट्रिंग जो स्टार्ट होगा फर्स्ट से मेरा स्ट्रिंग चालू होगा फोर्थ तक जाएगा और थर्ड नंबर का जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करो, उसने यहाँ पे वो प्रिंट कर दिया। सो दिस इज हाउ स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑल्सो वर्क्स। आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक, यहाँ से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोलन थ्री। तो कोलन थ्री में क्या होगा, देखो कहाँ तक का स्ट्रिंग उसने प्रिंट किया, देखो अगर मैं जीरो से काउंट करूं तो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे जी आएगा, देन वन टू थ्री, बराबर है। मतलब जीरो से थ्री तक का जो भी मेरे कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे गुड मॉर्निंग में उसने प्रिंट किया, थर्ड वाला कैरेक्टर छोड़ के। तो अगर मैं सिर्फ जी डबल ओ डी गुड अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो उसमें क्या होगा, जीरो वन टू थ्री, तो थर्ड इंडेक्स पोजिशन पे डी आएगा। अगर मैं जैसे मैंने आपको एक्सेल फाइल में बताया वैसा अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूं और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा तो उसमें क्या होगा, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, टी आई आर, ये तीन कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए, टी जीरो इंडेक्स पोजीशन, आई फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, एंड आर इज सेकंड इंडेक्स पोजीशन, एंड यू इज थर्ड इंडेक्स पोजीशन। यस सर, आप प्रीवियस एग्जांपल ले सकते हो एक बार, प्रीवियस मतलब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वाला, हाँ। तो यहाँ पे उसके अंदर 1153 जो किया था आपने, उसके अंदर इंडेक्सिंग तो सर जीरो से शुरू होता है ना, तो आपने वन से इंडेक्सिंग चेंज किया ना भाई, मैंने उसको बोला भाई वन से काउंट करो। अच्छा सर, इसमें ओ कैसे आया, मतलब क्या क्या सर, ओ का काउंटिंग बताओ ना, ओ कैसे आया था इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे ये ओ है, बराबर है। अब अगर मैं ये नंबर अगर समझो टू कर देता हूँ, सॉरी आई कैन चेंज दिस नंबर टू सिक्स लेट्स सपोज, ठीक है।
सो अब क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टार्ट कहाँ से होगा, वन से स्टार्ट करो इंडेक्स वैल्यू मेरा, और कहाँ तक जाएंगे हम लोग वो बता रहे हैं, और उसका एक वैल्यू बता रहे हैं। तो चलो अगर मैं यहाँ पे वन से सिक्स इंक्लूसिव है सर, कोई अल्फाबेट चेंज होगा तो आपको सर, पता हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो, वन टू, वन टू सिक्स इंक्लूसिव है। हाँ वन वन इंक्लूसिव होगा और सिक्स तक, सिक्स इंक्लूसिव नहीं होगा। एक सेकेंड रुक जाओ, कंफ्यूजन नहीं करना है, बाकी सब भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं वन बाय वन बताता हूँ, रुक जाओ, वो वापस मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ पे समझो कि अगर मैंने सिर्फ कोलन थ्री डाला तो ये समझेगा कोलन थ्री का मतलब क्या है, क्या होगा, जीरो इंडेक्स पोजिशन से चालू करेंगे और थ्री तक के जो लेटर्स है वो सारे आपके प्रिंट होंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर मैं यहाँ पे सॉरी इफ आई राइट जीरो कोलन, What do you think, क्या होगा? पूरा है ना, जीरो से लास्ट तक का पूरा स्ट्रिंग आएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर माइनस यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इफ आई राइट माइनस वन, क्या मतलब होगा इसका, माइनस वन मतलब क्या होता है तुझे बताओ, रिवर्स से चालू होगा ना, तो माइनस वन मतलब जी का पोजिशन माइनस वन आएगा। तो देखो गुड मॉर्निंग में लास्ट का जी छोड़ के पूरा सेंटेंस उसने क्या किया, प्रिंट किया, बराबर है। तो माइनस एंड प्लस ये दो चीज समझा सबको, क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है कोई? नो सर। हेलो? नो सर। नो सर। हाँ पक्का क्लियर है ना, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर मैं कोई दूसरा स्ट्रिंग अगर यहाँ पे डालता हूँ, ओके, अब ये जो नंबर्स है ना इसको हम लोग थोड़ा सिंपल रखते हैं, आप एक आध बार ट्राई करो, बाद में इसमें मैं और ऐड करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग के साथ में हम लोगों ने एक फंक्शन उसका कौन सा देखा, लेंथ देखा, ठीक है, एलियन फंक्शन देखा स्ट्रिंग का। दूसरा जहाँ पे हम लोग उसके इंडेक्स पोजीशन पे कैसे चीज़ों को कैसे हम लोग कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्किप कर सकते, कौन से दूसरे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते, ये देखा हम लोगों ने, बराबर है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों के पास जो उसके सर्टन फंक्शन होते हैं ना, वो हम लोग के फंक्शन होते हैं, लाइक समझ लो कि स्ट्रिंग जो है उसको पूरा मुझे स्ट्रिंग काउंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आई कैन राइट स्ट्रिंग काउंट लाइक इसके अंदर आई कैन राइट काउंट और जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर काउंट करना है ना वो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये वाले फंक्शंस जो है वो खुद से ट्राई करना है एक बार। चलो string dot count function है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे सपोज ओ है तो ओ कितने बार रिपीट होगा ना ये बताएगा मुझे, ये आपको ट्राई करना है, ट्रायल एंड एरर करो काउंट फंक्शन कैसे वर्क होता है आप मुझे बताओगे। देन स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज नाम पे से पता चल रहा है कैपिटलाइज फंक्शन का मतलब क्या होगा, पूरा जो स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, कैपिटल कर देगा ये, क्लियर है? ये दो आप मुझे यूज करके बताओगे, चलो जल्दी से कैसे यूज करेंगे ये दो फंक्शन को, मेरा जो भी स्ट्रिंग है वो पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा। ये स्ट्रिंग डॉट इसके लिए लिखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ लिंक्ड है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है आप स्ट्रिंग लिखेंगे। जल्दी बताओ कैसे करेंगे सर, ए डॉट काउंट ऐसा? हाँ ट्राई करके बताओ, आउटपुट बताओ, जल्दी बताओ, काउंट और जो सेकेंड वाला बोला मैंने, आई वॉन्ट आउटपुट। आउटपुट पोस्ट करो चैट में, पोस्ट करो आउटपुट जल्दी से। आई होप पीपल आर ट्राइंग, जल्दी करो गाइस, ट्राई कर रहे हैं ना? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ चलो जल्दी,
ओके अब इसके साथ में चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद में करते हैं पूरा। मैं आपको वन बाय वन स्ट्रिंग का जो कंसेप्ट है वो बताता हूँ, ध्यान से देखो। हाँ अब मुझे स्टार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं ध्यान से सुनो एवरीवन, ध्यान से सुनो 5 मिनट जरा ध्यान से सुनो। हम लोगों ने स्टार्ट में क्या देखा कि अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग जो है लाइक मेरे पास ए इक्वल टू 30 है एंड बी इक्वल टू स्ट्रिंग है। अब जब अगर मैं प्रिंट ए प्लस बी करूंगा ये क्या करेगा, एरर देगा। गाइस एरर दे रहा है ये? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ लेकिन अगर मुझे दोनों को साथ में प्रिंट करना है तो इसमें क्या डिफरेंस करना पड़ेगा ये मैं बताना भूल गया था। आई कैन राइट कॉमा, दैट इज अ कॉन्केटिनेशन, जो स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉन्केटिनेट करेगा। देखो नंबर और स्ट्रिंग दोनों प्रिंट हो गए, क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया? यस सर। ऐड करने का ट्राई कर रहा है, तो अगर दो स्ट्रिंग है तो ये ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में अगर डाल दूं देन प्लस विल वर्क, लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कोट से हटा दूं ये इंटीजर हो गया और ये बी वाला जो वेरिएबल का वैल्यू है दैट इज स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये दोनों को अगर साथ में प्रिंट करना है तो यहाँ पे मुझे कॉमा डालना पड़ेगा। दैट्स फर्स्ट थिंग, आई होप दिस इज क्लियर। मेरे साथ में ट्राई करते जाओ जल्दी से। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों के पास जो पैटर्न है मैंने आपको पहले भी बताया था, अब खाली स्ट्रिंग के साथ वर्क करते हैं जो अभी हम लोगों ने देखा था। तो अब देखो कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है इसको मैं सिंगल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, अगर आपको याद रहे तो हम लोगों ने सुना था। सो आई कैन जस्ट से प्रिंट बी और ये ट्रिपल कोट्स में लिखा हुआ स्ट्रिंग भी प्रिंट होगा एज इट इज। तो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स सब वर्क करता है, ये हम लोगों को याद है। एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। नो सर। और अगर मुझे यहाँ पे जो ये टेस्टिंग है उसके साथ में अगर मुझे बताना है कि गोइंग वेल, और ये जो गोइंग वेल है इसको डबल कोट्स में अगर डालना है तो ये मैं डबल कोट्स में भी डाल सकता हूँ जब मैंने ट्रिपल कोट्स यूज किया रहेगा। तो डबल कोट्स एज इट इज देखो यहाँ पे आएगा एज यू कैन सी इन द आउटपुट। सेम वे अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे सिंगल कोट्स अगर यूज करना है तो वो सिंगल कोट्स भी आएगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि गुड गोइंग और यहाँ पे इसको मैं सिंगल कोट्स में यूज कर रहा हूँ, देखो सो दिस विल ऑल्सो वर्क, है ना, सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों आया अंडर अ ट्रिपल कोट्स। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद में अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं इसके आगे, अभी हम लोग नेक्स्ट जो ट्राई करेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे कोई एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग को अगर मुझे स्लाइस करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग को डेटा टाइप कैसे फाइंड करेंगे कोई एक स्ट्रिंग का वो सब हम लोग को पता ही है, वो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सपोज अगर दो स्ट्रिंग को बहुत ढंग से अगर ज्वाइन करना है तो आई नो हाउ टू ज्वाइन दोज टू स्ट्रिंग्स। मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, ए में मैं लिखूंगा हेलो और बी में मैं लिखूंगा गुड मॉर्निंग, और वो दोनों जो है वो ज्वाइन होके आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए प्रिंट ए कॉमा बी। डू यू थिंक ए कॉमा बी से भी वर्क करेंगे ये दोनों या नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे वर्क करेंगे सर। यस, सो दो स्ट्रिंग्स जो है इसको मैं प्लस कीवर्ड से भी ज्वाइन कर सकता हूँ और कॉमा से भी ज्वाइन कर सकता हूँ, सेम आउटपुट मिलेगा देखो कि अलग है आउटपुट। डू यू थिंक एनी द आउटपुट इज डिफरेंट समथिंग? यहाँ पे देखो हेलो और गुड मॉर्निंग के बीच में स्पेस आ रहा है जब मैं कॉमा यूज कर रहा हूँ तो, और जब मैं प्लस साइन यूज कर रहा हूँ तो वो स्पेस नहीं आ रहा है, दिख रहा है आपको गाइस? यस सर। यस सर। यहाँ पे अभी मैंने कॉमा यूज किया, इसको मैं अंडरस्कोर पे डालता हूँ। अब देखो जब मैं कॉमा यूज करूंगा तो हेलो और गुड मॉर्निंग के बीच में स्पेस आ रहा है, और ये ही कॉमा को हटा के अगर मैं प्लस लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो स्पेस नहीं आएगा, दोनों वर्ड्स कंबाइंड है। अगर मुझे स्पेस चाहिए तो यहाँ पे मुझे स्पेस देना पड़ेगा और तब वो यहाँ पे भी स्पेस आएगा। सो दैट्स फर्स्ट थिंग, प्लस साइन और कॉमा कॉन्केटिनेट ऑपरेटर्स है, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है अभी? नो सर। सबको
देन जहाँ पे हम लोग अगर इंडेक्स पोजीशन अगर देखेंगे तो आप देखो मेरे पास स्लाइसिंग किया हुआ पॉइंट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक्सेल फाइल. सो हियर वी हैव एक्सेल फाइल, इंडेक्स पोजीशन जीरो पे टी है. आप कोई भी एक इंडेक्स पोजीशन ले लेंगे तो टी जो है वो किस पे है, जीरो पे है. आई जो है वो वन पे है, आर जो है टू, यू थ्री पे है एंड पी जो है वो फोर पे है, ठीक है. एंड सेम वे रिवर्स में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो लास्ट जो आपका अल्फाबेट है, कैरेक्टर है, वहां से माइनस वन टू माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ठीक है. ये मेरा स्ट्रिंग है और उसका ये इंडेक्स पोजिशन है. तो अब सेम वे अगर मैं अपना कोडिंग में जाता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं ऐड करता हूँ नेम, ओके, आई कैन राइट स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट नेम ब्रैकेट में जीरो. व्हाट डू यू थिंक क्या करेगा ये, क्या करेगा? जीरो इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करेगा. सिंपल है, क्लियर? यस सर, यस सर. हाँ, अगर मुझे यहाँ पे अगर दूसरा कोई कैरेक्टर अगर प्रिंट करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिक्स, क्या करेगा ये? व्हाई इट्स गिवन अ एरर, एरर क्यों? सिक्स पोजीशन नॉट एग्जिस्ट, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. क्यों? यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स कितने? फाइव है. तो जीरो से अगर काउंट करेंगे तो हम लोगों का मैक्सिमम जो इंडेक्स पोजीशन है वो कहां तक जाएगा? फोर तक जाएगा. और मैं जो नंबर प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूं वो कौन सा है? सिक्स है. तो अगर मैं यहां पे फोर डाल दूंगा तो वो वर्क करेगा? यस, इट विल वर्क, ठीक है. सो ये वे में हम लोगों ने क्या देखा? इंडेक्स पोजिशन देगा. इंडेक्स पोजिशन अगर बाहर जाएगा तो क्या आएगा? इंडेक्स, आपको नीचे एरर क्या बता रहा है? वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, बराबर है. ये हो गया. इसके बाद में अगर मुझे स्टार्ट टू एंड अगर कोई कैरेक्टर अगर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? जीरो कोलन फोर लिखूंगा तो पूरा नाम प्रिंट होगा कि नहीं हुआ? क्या हुआ बताओ जल्दी से. इसमें पूरा होगा? पूरा नहीं होगा ना. फोर्थ वाला यहाँ पे देखो, जो जीरो मैंने लिखा है ना, कैरेक्टर चालू होगा. यस, और अगर मैंने फोर दिया है मतलब थ्री तक के कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा. फोर्थ वाला नहीं. अगर मुझे फोर तक चाहिए तो मैं यहाँ पे फाइव लिखूंगा और वो देखो पूरा नाम प्रिंट कर रहा है, ठीक है. सो लास्ट जो आप कैरेक्टर बताते हो कोलन के बाद में, वो कैरेक्टर को वो स्किप करता है, उसके पहले तक के सारे कैरेक्टर्स आपके प्रिंट होंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक में? नो सर. यस सर. और बीच में से अगर कोई कैरेक्टर, यस, एनीवन एनी डाउट्स? नो सर. से मुझे कोई कैरेक्टर अगर प्रिंट करना है तो क्या करूंगा? मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगा. यहाँ पे सपोज आई कैन राइट वन टू फाइव, सो क्या होगा? फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ के बाकी के वो प्रिंट कर देगा. और माइनस अगर करना है तो कैसे करेंगे? अगर मैंने यहाँ पे सपोज ऐसा लिख दिया कोलन फोर, क्या करेगा ये? सर स्टार्ट से लेके फोर्थ थ्री तक प्रिंट करेगा. हाँ, तो मतलब जीरो बताना जरूरी नहीं है. अगर मैं यहाँ पे टू या कोई स्पेसिफिक नंबर बोलूंगा तो वहां से चालू होगा और फोर्थ तक जाएगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट से जाएगा. और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे टू कोलन और इसको ब्लैंक छोड़ दो, इसका मतलब क्या होगा? तो टू से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा. एंड तक जाएगा. यस, सेकंड इंडेक्स पोजीशन से एंड तक जाएगा. यहां तक क्लियर है सबको? एनीवन एनी डाउट्स? नो डाउट सर. नो सर. नो डाउट्स. एंड आई होप आप ट्राई कर रहे हैं साथ में, सिर्फ सुन नहीं रहे हो, है ना? ट्राई कर रहे हैं? यस सर. अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं माइनस फोर टू माइनस वन, इसका मतलब क्या होगा? रिवर्स. रिवर्स रिवर्स होगा सर. इंडेक्स रिवर्स में नहीं बताएगा ना सर? ये
माइनस फोर मतलब कौन सा है, आई का वैल्यू जो है वो माइनस फोर है ना, भूल गए? यस सर, मैंने आपको एक्सेल फाइल में बताया ना कि हम लोगों का यस सर माइनस फोर जो है वो कहाँ पे, आई पे है। तो अगर मुझे माइनस वैल्यूज अगर यूज करने हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे टी से लेके पी तक के सारे कैरेक्टर्स अगर प्रिंट करने हैं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस फाइव से लेके क्या लिखना पड़ेगा, माइनस फाइव मतलब टी प्रिंट होगा। याद रखो, जब अगर आप रिवर्स में स्ट्रिंग अगर प्रिंट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हायर नंबर जो आएगा, यहाँ पे अगर मैंने माइनस फोर लिखा वो हायर नहीं है, लोअर नंबर है, माइनस है वो, प्लस फोर रहता था तो वो हाईएस्ट होता था। तो अगर इफ आई राइट माइनस वन और यहाँ पे मैं ब्लैंक अगर छोड़ देता हूँ, इसका मतलब वो पूरा नाम प्रिंट करेगा, देखो। और यहाँ पे अगर मैं माइनस वन डाल देता हूँ, तो डिफरेंस क्या होगा, लास्ट का कैरेक्टर स्किप हो गया। क्लियर है? माइनस वाला ट्राई करो, माइनस में कंफ्यूजन होगा और यही आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं है ना एक आधा मार्क कट हो जाएगा उसमें। तो अगर ट्रिक याद है तो अच्छी बात है। सो अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि हम लोगों के पास चलो हम लोगों के पास एक मैंने यहाँ पे सपोज हाँ आई विल टेक वन वेरिएबल डी इक्वल टू, अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। डी इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरा वेरिएबल है, इसको मैं लिखता हूँ ग्रीटिंग्स, तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने लिखा ग्रीटिंग्स, देन ब्रैकेट, ध्यान से देखो, वन कोलन फोर कोलन। अब अगर मुझे यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टू, ओके, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट डी, ओके, और डी आएगा सर। हाँ ध्यान से देखो क्या आएगा, कैसे ओ और डी कैसे आया सर बताओ सर, आपने स्किप करवाई वैल्यूज। हाँ कौन से वैल्यू स्किप करा है मैंने? सर आपने स्टार्ट किया ओ से, फिर आपने टू डाला, इसके लिए ओ खुद और मतलब वन खुद और सेकेंड वाला स्किप होके आएगा डी तक। तो ए बी सी डी लेते हैं तो और ही सिंपल पड़ेगा, जिसको नहीं समझा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। अब वापस ट्राई करता है। हाँ बी सर, बी और हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, डी डी आएगा, फर्स्ट से चालू करो फोर्थ पोजीशन तक सिर्फ इवन वैल्यू प्रिंट करेंगे हम लोग, बराबर है ना? Yes, क्या हो रहा है, इवन वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ऑड वैल्यू प्रिंट हो रहा है? इवन वैल्यूज, जीरो से चालू होगा, ए एट जीरो पोजीशन, बराबर है ना? अब अगर मुझे इवन के जगह पे, यहाँ पे देखो इवन मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हम लोगों के पास यहाँ पे ए छोड़ के बी, सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के आई, ऐसा अगर चाहिए। अब अगर मुझे जीरो से अगर मैं काउंट करूँगा तो नंबर्स चेंज होंगे क्या, अल्फाबेट्स देखो चेंज हो गया, जीरो से स्टार्ट करेगा वो और जीरो से वो क्या करेगा, उसके हर एक सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो जीरो से फोर तक मैंने क्या बोला, फर्स्ट जीरो, उसके बाद में एक छोड़ो, उसके बाद क्या है सी है, उसके बाद वापस एक छोड़ो, बाद में क्या ई है, उसके बाद और एक छोड़ो एफ है। सो अगर यहाँ पे मैं कोलन ऐसा रखता हूँ, ये प्रिंट होगा क्या, ये वर्क करेगा, इसका क्या मतलब हुआ एवरीवन? फिर करेगा ना वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन अगर मैंने स्टार्ट जीरो से एंड एंड पूरा है मतलब जे तक, हाँ। और टू टू स्किप साइज है, स्टेप है, यस। और अगर मैं यहाँ पे थ्री करूँ तो सर थ्री दो छोड़ के थर्ड कैरेक्टर वो प्रिंट करेगा, है ना, जीरो से स्टार्ट करके हर थर्ड कैरेक्टर प्रिंट करेगा। देखो
और यहाँ पे अगर मैं टू करता हूँ तो जीरो से स्टार्ट करके जीरोथ इंडेक्स पोजिशन से स्टार्ट करके हर सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट करेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन. एनी वन एनी डाउट? इसी में डाउट कन्फ्यूजन हो रहा था, मैंने वो सॉल्व कर दिया. एनी वन एनी डाउट? सर रिपीट करो ना एक बार. अच्छा रिपीट करते हैं, चलो. सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, मेरे पास ये ए बी सी डी मेरा पूरा ये बड़ा स्ट्रिंग है. अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जीरो से चालू करूंगा, ठीक है. एंड मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, ये देखो ये एंड जो है ना वो ब्लैंक है यहाँ पे. उसका मतलब क्या है कि पूरा स्ट्रिंग वो कंसिडर करेगा सेंटर में जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर अभी ब्लिंक हो रहा है. और आपको स्किप कितना करना है, तो एक लेटर स्किप करो और उसके बाद हर सेकेंड लेटर को प्रिंट करो. जीरो से चालू करो और हर सेकेंड लेटर प्रिंट करो, ठीक है. सो अभी अगर मैं यहाँ पे सपोज नंबर डालता हूँ तो आपको इजी पड़ेगा. देखो नंबर्स अगर मैं डालूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हर सेकेंड कैरेक्टर उसने प्रिंट किया. वन से चालू किया, वन के बाद में उसके बाद सेकेंड कैरेक्टर कौन सा आएगा, वन के बाद वन से अगर मैं काउंट करूंगा तो टू छोड़ो थर्ड इज द सेकेंड कैरेक्टर, फोर छोड़ो फिफ्थ इज द सेकेंड कैरेक्टर, देन सिक्स छोड़ो सेवेंथ इज द सेकेंड कैरेक्टर, देन एट के बाद में नाइन्थ इज द सेकेंड कैरेक्टर. सो ये हो गया कि अगर मुझे ऑड नंबर्स 1 to 9 में अगर ऑड नंबर्स प्रिंट करने तो मैं ये वाला पैटर्न फॉलो करूंगा. और इसमें अगर इवन नंबर्स अगर मुझे प्रिंट करने तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्या करूंगा, वन कर दूंगा और मेरे सारे इवन नंबर्स प्रिंट होंगे. देखो 2, 4, 6, 8. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर. नो सर, मतलब अल्टरनेटिवली स्टार्ट करना है ना सर? हाँ अल्टरनेटिवली. और अगर मैं यहाँ पे अगर ये जो है मुझे सेकेंड कैरेक्टर नहीं चाहिए थर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर ये प्रिंट करूंगा तो एवरी थर्ड कैरेक्टर प्रिंट होगा. देखो 2 उसके बाद में थर्ड पोजीशन पे, 2 से थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है. फिर 5 से आगे अगर थर्ड पोजीशन में अगर गिनूं तो 8 आ रहा है. और उसके आगे तो फिर मेरा स्ट्रिंग ही खत्म हो गया, तो कुछ भी नहीं आएगा. सेम वे मैं यहाँ पे फोर्थ करूंगा तो 1 से चालू करेगा. फर्स्ट इंडेक्स पोजिशन पे जो लेटर है वो कौन सा है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे लेटर क्या है, 2 है, बराबर है. और वहां से फिर फोर्थ पोजीशन गिनो तो 3, 4, 5, 6, तो 6 इज द फोर्थ पोजीशन. सो 6 यहाँ पे प्रिंट हुआ. आई होप दिस इज सिंपल एंड इजी और सबको समझ में आ गया क्या किया हम लोगों ने. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. सो आज मैंने जो भी कुछ बड़बड़ किया है आई होप समझा है ना सबको. किसी को कोई भी डाउट है? नो सर. नो सर. नो सर. सर यस बोलो. जब हमने कैपिटलाइज वाला किया था तो उसमें से फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होता है ना, तो फिर अगर हमको सब करना हो तो? वही बेटा, वो आपको ट्राई करना है ना, वही तो मैंने आपको टास्क दिया. कैपिटलाइज पूरा अगर स्ट्रिंग मुझे कैपिटलाइज करना है तो क्या करेंगे, अपर लोअर कुछ यूज होगा ना? अपर केस. हाँ नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा वो, ठीक है. कल ही है ना हम लोग का कल ही लेक्चर. हाँ कल हम लोग वो ट्राई करते हैं. अभी तक यहाँ तक जो भी कुछ बताया किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर. नो सर. नो सर. ओके ठीक है, तो चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर. या बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर.